किसान भाइयों, आज मैं कालपुरा कोठी के पास आया हुआ था, जो बहुत बड़ा फार्म हाउस है उसके अंदर आया था मैं। तो यहाँ पूरी वेजिटेबल्स देखी गई, उसका सर्वे किया गया, किस प्रकार का कौन सी वेजिटेबल्स हैं, कौन कौन सी, कितना क्या बेनिफिट है। इसी प्रकार मैं जैसे गुजर रहा था, मुझे लास्ट में कुछ जैविक खाद बनाया हुआ है यहाँ, जैविक खाद के बारे में बताऊँगा। खाद दो प्रकार का होता है, रासायनिक खाद और एक जैविक खाद। जैविक खाद मतलब कि अपना एक गोबर वाला खाद, देसी खाद, जैविक खाद। जैविक खाद के फायदे और बेनिफिट बताऊंगा मैं, जैविक खाद का बेनिफिट क्या है और रासायनिक खाद के बेनिफिट नुकसान क्या है। जैविक खाद बहुत ही कारगर होता है। जैविक खाद के अंदर पूरा मतलब कि पोषक तत्व होता है इसके अंदर। जैसे केंचुआ है जो किसान का मित्र कहलाता है, और केंचुआ जहाँ होगा वहाँ उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार के जैविक खाद है, बिल्कुल गला हुआ खाद है ये, और इसको हम हमारे खेत के अंदर डालते हैं, हमारे वेजिटेबल्स के अंदर, जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। मिर्ची है इधर देखो, बहुत ही शानदार ग्रोथ किया है इस जैविक खाद से। एक बर्मी कंपोस्ट खाद होता है, बर्मी कंपोस्ट में केंचुआ होता है, जो उसको धीरे धीरे केंचुआ गला देता है और उसको उपजाऊपन बनाता है। वो मतलब कि जमीन को एक उपजाऊपन, एक अलग ही ऊंचा देता है जैविक खाद। बहुत ही शानदार खाद है, जैविक खाद इस्तेमाल करें, रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम करें, क्योंकि रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव बहुत है। जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, वो रासायनिक खाद का ही इस्तेमाल करने से। तो सभी किसान भाई को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का इस्तेमाल करें।